बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिजली घर के तमाम वकीलों का शुक्रिया अदा करता और सच्ची गल है मैं राणा रूमी का बड़ा शुक्रिया अदा करना। बजे टाइम खिंच के मेरा ख्याल और प्रोग्राम आयोजा कह रही अज उत जरूर आना क्योंकि इतने घट आन जाने मेरा इस इलाके चंगे भी बाइक उठे ज्यादा आते हैं। मैं बड़ा घट पे आया जिन्हें लोगों इस तो ज़्यादा रबते की कमी है लेकिन रबते की कमी के बावजूद कोशिश की है कि इलाके वास्ते को अच्छी सोच रखिए सियासत को अच्छे तरीके करिए क्योंकि हर बंदा अपने काम काज के मसायल थोड़े या ज्यादा हर बंदा अपनी इज्जत चाहता है अदल चाहता है साफ चाहता है वो रोजगार चाहता है वो बच्चे की अच्छी तालीम चाहता है अच्छा इलाज चाहता है यही बंदे ख्वाहिशात हो जिदे वास्ते फिर कोई सियासत का जरिया बनता है इलेक्शन होंगे हुकूमत बनदियां हुकूमत बनदियां तुसी अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हो नुमाइंदा जिस टाइम मुंतखब करते हो तुहानू करके खलदे हो बतवाड़िया इन्हां गल्लां ते कोई गौर होवे और थाणियां च इंसाफ लभे हस्पतालां च इलाज लभे लेकिन बदकिस्मती ये कि साढ़े पाकिस्तान च अजे लोगों ने चीज़ां लभदियां नहीं पई जिस तो लोग हुण सियासियां नूं भी कूड़ा समझदे ने गाली कढ़दे ने पिछों वोट भावें दिंदे तां वी गिले बड़े करदे सियासियां उहदी वजह है कि लोगों दे इह काम नहीं आउंदे। लेकिन सच्ची गल है मैं कोई गुनहगार जिहा बंदा मैं कोई तौबा या अल्लाह तौबा कोई फरिश्ता नहीं हाँ गलतियां मेरे को भी होंदियां लेकिन मैं 2008 च इस इलाके च आया तो मैं कोशिश की थी इस इलाके च सियासत तरक्याती कमां दे हवाले नाल कुछ बेहतर की जाए आम आदमी नाल कोई तलक बनाया जाए आम आदमी की पहुँच होवे कोई सरमायादारी वडेरा शाही ना होवे जिहड़ी इन्हां इलाकियां च अगे हुंदी आई ये मैं बड़ी कोशिश की थी। ये आ मौलवी साहब इस गल के गवाह कि मैं 15 साल इस काम से लाए जिथे मेरा राबता ज्यादा होया उथे कई नमाने मुसली भी लीडर बन गए तो जिथे राबता घट होया उथे फिर अगले वाली सूरत हाल है। लेकिन उसकी वजह है कि जो अज भी साढ़े इलाके घुटन या जबर का माहौल है ना इन हर चीज जिम्मेदार है मुस्लिम लीग नवाज ये लोग इस इलाके चो बड़ी बेरी जिते इन्हें अज तक ना थाने का माहौल चेंज करने की कोशिश की तब्दील तो ना चौकियों का उसकी वजह है कि ना थाने के जरिए वोट लगते बंदियां डरा के जेडे नांदी चुदराहट हुई नांदा पुलिस वाले नाल तलक होया वो किसी दरखास्त दवा ली किसी के स्कूटर फसा लिया बंदियां डरा ही रखे ताकि कोई जहनी तौर पर आजाद ना हो जहनी तौर पर आजाद होएगा तो वह थाने तो निकलेगा तो आखेगा भाई मेरी गली बनाओ मेरी गैस लाओ मेरी बिजली लाओ मेरे बच्चे नौकरी लैके दो या मेरी तालीम अच्छी हो कागज चाहिए ये इन्हों काम वाल सियासी आने नहीं देते ताकि थले थले थाने की हद तक तेरा भी भैंट तक ही रह रहा तेरा भी भैंट तो इन्हों की सोच ना बन ये सोचने का मुकाम है कि सोच बदलो ये वास्ते तो इलेक्शन तो हट के भी तुम सोच बदलनी पाओगे और दुहान कलोनियां मलियाने इकट्ठा होके अपना एक अद्धा नुमाइंदा बना के उसनों जरा ताकतवर करना पौगा और वह सियासियों नाल राबता रखे चंगा होवे ना होवे वह भी 15-85 बन जाए जिन्हों जरा गेरे करी वह मुड़ पते 15-85 बन जाए ये थोड़ा जहा ये सियासत च तब्दीली चाहिए खसूसी तौर पर इस थाने फेरे वे इतने मैं पता है बड़ा जुलम के बदला लेकिन मैं कोई थाने की सियासत का कायल नहीं लेकिन यह मैं भी सोचा है कि थाने तो बगैर काम भी नहीं चलना हूँ थाने बदलने वास्ते थाने वाल ध्यान भी देना पौगा वकील भी रखने पौ सन वास्ते रिटा भी करनी पौ सन बंद ताफत भी देना पौगा इस तो मैं बिल्कुल ताफत देने मेरी जिम्मेदारी है कोई बंदा किसी ना जुलम हो शक मेरा दरवाजा खुला है वोट देवे या ना देवे जो मजलूम है वो वास्ते मैं बेलौत आ गया हर वक्त मेरे जिंदगी का मेरा पूरा खानदान है इस चीज का मैं कोई वोटा ना मजलूम वास्ते ये शरत नहीं पूरी बहुत वोट दिते नहीं दिते और गरीब को तो मैं भी शरत नहीं देना पिछले एक गल सियासी कमों के हवाले
हमेशा कोशिश की है इस इलाके अगे जी बड़िया शहर गैस लगी आई वो भी शहीद मौत बेड़े ने फोटो दिखी है छोटिया पिंडा जी लगी है वो अल्लाह की मेहरबानी मैं आप दिखी है पीपल पार्टी के पिछले दौर से चंद पिंड रह गए बिजलियां डेरा जाते पता है कितनिया लगियां जिमीदारा ट्रांसफार्मर मुल लगा पवे तो 10-10 लाख रुपया बनता है तो फिर ठीक करवा तो वापस आए मुड़ 40,000 मांग लेंगे अज जुलम की है लेकर मैं 5 साल MLA रहा मैं कोई बंदा दसे मैं मुल्ले का ट्रांसफार्मर लवाया हो कोई बंदा मैं चैलेंज कर 5 साल जिस टाइम मैं MLA रहा मैं किसी जिमीदार नो किसी गरीब नो मुल ट्रांसफार्मर नहीं रखेड़ दिता मेरे तो या पहले रखी वे तो या मैं जिस टाइम मर गया वोट रखी वे और ट्रांसफार्मर ठीक करना वापड़ा की जिम्मेदारी है इतने ट्रांसफार्मर सड़ जाता है 20,000 कटो 40,000 कटो की वजह है कि नुमाइंदे कमजोर न गूंगे नुमाइंदा त्रिखड़ा हो वापड़ा की जरूरत है ट्रांसफार्मर के पैसे लैन ये तो यही कमजोरी है यही जुलम है साढ़े मुआशरे में और खसूसी तौर पर साढ़े इलाके कि असी फिर इस तो थोड़ा जहा अपने नुमाइंदे त्रिखड़े बनाओ ये गूंगिया नाल काम नहीं चलना ते ना फार्मी चूचिया का काम चलना देसी तो फार्मी बड़ा फर्क होगा ये फर्क ढेर ये आप सोचना पड़ा सोच के जरा इन चीजों वाल ध्यान दे और परवरदिगार के करम नाल इंशाल्लाह ताला इस इलाके की सियासत बदल गई 60% बदल गई और मैं उम्मीद है देखो ना मैं क्यों आदा बदल गई मैं 2008 का इलेक्शन लड़िया पीर साहब मेरे मुखालफ प्राचा साहब मेरे मुखालफ डून साहबान मेरे मुखालफ सारी दुनिया मुखालफ लेकिन आज उन्हें भी सोचा है कि यार इलाके वास्ते नदीम अफजल चंगा है आज वो भी मेरी कंड पिछे खड़ोते मैं उन्होंने ममनून हाँ जफर अब्बास लख मेरा मुखालफ हाँ वो भी मेरे नाल ये वड्डे लोगों भी खीर सोचा है कि बेहतर इलाके का कौन हो और तुसी गरीब मेरी ताकत आ मैं मिड बरगने तो लग के अल्लाह की मेहरबानी नाल मेरे इलाके कोई मैं दसो ना कोई अफसर कभी मुसली किसी भर्ती कराया हो ये मैं MLA बनिया जाओ नादरा शादरा आज भी देख लो जेड़ा मैं मुसली पढ़िया लिखे लभ मैं क्या पूरा टोरिया कोई कुबार लभा है कोई मोची लभा है कोई नाई लभा है क्योंकि अक्सरियत इन्होंने लोगों की है और इन्ह लोगों ने अगर वधन को नहीं देता इन्ह लोगों ने अगर टुरन को नहीं देता और यही मैं आदा कि मैं थोड़ी आवाज हाँ ये इलेक्शन तो 8-60 दिन रह जाना लेकिन अगर चक रमदास का कमरान मुसली मेरे तक पहुंच सकता है वजीदी का नौमी मुसली मेरे तक पढ़ सकता है तो तुम बिजली घर का भी कोई गरीब आदमी पुराने पुलवाल का चावे का कोई धन किसी की मोहताजी की लोड़ नहीं शहीद भुट्टो की यही सियासत आई और जिमी तो चुक के बंद मंजी से पाया ही ये इसे तो पाया आस ना कलोनिया दीतियां आस 5 मरला स्कीम 7 मरला स्कीम ए मैं कह सा क्यों लवाई कि तुहान साढ़े तो पालन ना मंगना पवे बचो जी साहब पालन दियो इसे तो पालन तुझा मेरे तो मंगना तो मैं लगता भैनों मेरे घर मंगा मैं एक 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 मंगरी मैंने भी पैड़ा मैं आप जिम्मेदार हाँ मैंने पता नहीं की करते हैं ये साढ़े माशरे दियां बुराइयां साढ़े साहब हैसीयत लोग बड़े अच्छे लोग नो बड़े अच्छे लोग बड़े दुनदार लोग लेकिन साढ़े बुराइया भी बड़ी इन्हों बुराइया ने असं आप रल के ठीक करना और यह सियासत के जरिए ठीक हो सकते हैं जहनी तौर पर आजाद हो जाओ असं गुलाम नहीं हाँ असी गुलाम नहीं हाँ साडा मुल्क आजाद हो गया असी पुलिस के जरिए वोट नहीं देने असी जबर के जरिए वोट नहीं देने देखो ना अज इश्तहार पढ़ा दौ जी नून साहब का मैनेजर चुक लो जी ये वेखो ना जुलम जबर दी 100 साल नूर खानदान ने सियासत की अज तक किसी उन्होंने मैनेजर या मुंशी नहीं खुड़ चुके साढ़े भी मुखालफ रहना सी कभी इस लैवल से नहीं गए इस करम वाले खानदान जिद का साडा मुकाबला है इन्हें समझे आप सिर्फ गाली कढ़ के वोट लभदे वोट इखलाक नाल भी लभ सकते वोट थाने तो बगैर भी लभ सकते अगे सियासत पुरानी आई बेहे आया तो प्राचीन घाल कढ़ी तो आख्या जी बड़ी गल लीडर बन गया काम करके विको गाली तो ही कटते जो थाने का घोड़ा नहीं सुनी हो ना हो तो लाहौरा भी नहीं आते मैंने पता नहीं जेडे त्रकड़े हूँ चटाली चाह रहा भी पता लगता है मैं तो हार के भी इतने ही रहा रजे शाह होर के मुकाबले मैं कीते ना को भी मैं करने इन 15-85 मैं ही निबड़ना है अरुण पदाचे मुड़ 9 तरीक गैप हो जाना है अगे 15 साल बाद आया कि नहीं आया हूँ इमरान खान के नाम से वोट आपसी मैं मंगता इमरान खान का भी निशान कोई नहीं आजाद ना लड़ना है
जीत के मोड़ना भी जितना वाल सही नहीं कोई ना ते जिन्हें वोट भी जाया करना है वोट नून लीग के खिलाफ तकसीम ना हो वेखो कि नून पिछले 15 साल इन्होंने खिलाफ खलोतोया पिंड च कौन मैं जितया मैं हरिया मेरा खानदान इतने खलोता रहे इंशाला खलोतिया रहना इहदा साडी सियासत नाल जिहड़ा कोई तल्लुक नहीं इहदा इंशाला इन जालमां नाल क्योंकि जिहड़े जिहड़े जिंदगी दे आए वह इंशाला ताला इन जालमां का मुकाबला करना और मेरी यही तुहाडे अगे गुजारिश है कि थोड़ा जिहा सियासत नूं समझो हुण दौर बदल गया अपने हालात बदल गए नहीं दिल्ली रह मेरी इलेक्शन आए उन्होंने अपना फोन मंगाए हार पाए वोट पाया किसी ने आख टोल गया यह सियासत है जे अपने हालात बदलना चाहते हो तो वोट वेख के पाओ मैं नहीं आता मैंने दियो वोट अगर वो मेरे तो चंगे तुसा 40 साल अजमाए अगर तुसा समझ आया कि इतने बंदे नौकरियां लैके दित्तियां ना इतने थाने च इंसाफ कराया ना बड़े काम किए ना कॉलेज मंजूर होया नहीं ना डकाया चक रमदास तो फिर ठीक है वोट उन्होंने आके भी शाक उन्होंने दियो तो जे समझ दियो कि कुछ भी नहीं ना किया इतनी मेरी जित जित के भी क्या किया ना दुश्मनियां बधाइया ना बजाय घटाने देखो ना सियासत पिछे ही है बंदे कतलों करता हुई हैं और इन्हें लोगों कभी सुलह कराने की भी कोशिश नहीं की थी ये आते ना और गोडी करो रंबा चंगी खाद पाओ वधे सौखी होती है ना सियासत दो धड़े बन जान एक ही धड़े से वोट हो बदला बगे ना कोई करना पाया बस यही मेहरबानी करो ते पीर साहब का निशान मोर जे ते मेरा निशान तीर जे तीर दी पर्ची उन्हें सावी है चिट्टी है सावी ते कौमी असम्बली सावी पर्ची है ते सूबे च मोर निशान है चिट्टी पर्ची दा बड़ी बड़ी मेहरबानी और मैं आज दे मेज़बाना दा खुसूसी तौर ते शुक्रिया अदा करदा किदा की थी चेट अमीर साहब दा सैफ साहब दा सलीम साहब दा लियाकत मोहम्मद असलम गुलाम अली मोहम्मद मोहसन असगर अली ते आरफ ते जऊर ते वापड़ा कलूजी मैं हुण वेख लई हुण तुहाडे कोल आउंदे रसां अगे मैं भी कोई ना ये देख लगदा तो मैं आस पर एडी घट मैस बने हुंदा ते मैं इंशाल्लाह ताला ए मैनूं पता है कि सब तो घुटन दा मौला है इलाका है मैं बड़ा इस गल दा एहसास है इंशाल्लाह ताला वक्त आया तो एक घुटन भी खत्म करनी है ये तामन चाहिए बड़ी मेहरबानी।